Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Let's continue with chapter 2, human body, the teeth. Teeth के chapter को हमने अच्छे से read किया है, learn किया है, इनके objective question answers, multiple choice वाले भी कर लिए, short question answers भी हो गए हमारे. Now continue with long question answer. In your book there are 5 long question answer, but in this video I am going to explain only 2. The first question is, differentiate between temporary and permanent set of teeth. Differentiate मतलब difference. Difference को क्या बोलते हैं हम? अंतर. हमें क्या करना है? दोनों को compare करना और उन दोनों के अंतर को लिखना है, differentiate करना है. मतलब उन दोनों में क्या difference है? वो हमें राइट डाउन करना है. देन आंसर इज, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टेबल्स ड्रॉ कर लेंगे. एक पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. हाफ में क्या लिखेंगे, टेम्पररी सेट एंड सेकेंड वन इज परमानेंट सेट. चलो याद होगा आपको टेम्पररी सेट कैसे होते हैं. इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. इट इज द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ. और परमानेंट टीथ कब आते हैं? जब हमारे टेम्पररी टीथ गिर जाते हैं तब आते हैं ना. इट अपीयर्स आफ्टर द टेम्पररी स्टार्ट टू फॉल आउट. मतलब जब हमारे टेम्पररी टीथ, जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे टेम्पररी टीथ होते हैं, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, बच्चे नहीं रहते लेकिन थोड़े से बड़े होते हैं, तब हमारे क्या होते हैं, दांत गिरने लगते हैं. कौन सी एज में गिरते हैं सबको पता है? और कौन सी एज में हमारे टेम्पररी टीथ आते हैं और कौन सी एज में हमारे परमानेंट टीथ आते हैं? आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ना, चलो आप बताएं. इट स्टार्ट डेवलपिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ्स. टेम्पररी सेट कब आते हैं? जब हम एकदम छोटे बच्चे रहते हैं 6 मंथ्स के, तब हमारे एक एक दो दो दांत आने स्टार्ट हो जाते हैं. और परमानेंट कब आते हैं? इट स्टार्ट डेवलपिंग अराउंड द एज ऑफ 6 ईयर. जब हम 6 ईयर्स के अराउंड होते हैं तब हमारे टेम्पररी टीथ गिरने स्टार्ट होते हैं और परमानेंट टीथ आने स्टार्ट होते हैं. नाउ द नंबर ऑफ टीथ, द नंबर ऑफ टेम्पररी टीथ इज 20. कितने होते हैं? 20 एट द एज ऑफ 3 ईयर्स. जब हम 3 ईयर्स के होते हैं तो हमारे कितने टीथ होते हैं? 20. जब हम बड़े हो जाते हैं, जैसे मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे कितने नंबर ऑफ टीथ है? नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज 32 इन द ए इन एडल्ट. जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारे नंबर ऑफ टीथ कितने हो जाते हैं? 32. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब द शेप एंड फंक्शन ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन. हमारे ह्यूमन में कितने टाइप के टीथ होते हैं? 4 टाइप के. मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है, नेम्स तो सबको पता ही होंगे. तो अब क्या करना है, हमें उन नेम्स तो पता है बट हमारे टीथ के शेप कैसा होता है और फंक्शन क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं और उनका शेप कैसा होता है, वो हमें राइट डाउन करना है. तो हमने फिर से एक टेबल बनाई है जिसके फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा है, नेम ऑफ टीथ. सेकेंड में लिखा है उसका शेप, वो कौन से शेप का है. एंड थर्ड कॉलम में फंक्शन, टीथ का क्या फंक्शन है. फर्स्ट, जैसे ही हम स्माइल करते हैं तो हमारे सबसे पहले कौन से दांत दिखते हैं? सामने वाले टीथ ना. इन टीथ को क्या बोलते हैं? इंसिसर्स. इंसिसर्स कितने होते हैं आप देखेंगे, 4 अपर में और 4 लोअर में. टोटल कितने हो गए? 4 एंड 4 8 इंसिसर्स होते हैं. और उनका शेप कैसा होता है? फ्लैट एंड हैव अ शार्प एज. ये एकदम सीधे होते हैं, फ्लैट होते हैं और बट इनके आगे से पॉइंटेड होते हैं. पॉइंटेड मतलब शार्प होते हैं, थोड़े से मतलब तीखे तीखे दांत होते हैं जिससे हम अच्छे से तोड़ सके, हमें उसे काट सके. अगर हमें कुकुम्बर कच्चा खाना है तो कुकुम्बर को हम किससे बाइट करते हैं? आगे वाले टीथ से ना. और चॉकलेट किससे खाते हैं? आगे वाले टीथ से बाइट करते हैं. तो उसका फंक्शन क्या हो गया? टू कट एंड बाइट द फूड. तो इंसिसर्स का शेप कैसा होता है? फ्लैट एंड शार्प, तीखे तीखे दांत होते हैं हमारे. और उनका फंक्शन होता है टू कट एंड
छोटे बच्चे काटते हैं, कौन से टिप से काटते हैं? इंसिसर से काटते हैं। और जब उनको हमें कुछ चॉकलेट होता है या कुछ किसी चीज का बाइट लेना होता है तो हम किससे लेते हैं? इंसिसर्स। हमारे कौन से टीथ यूज होते हैं? आगे वाले, ये फोर टीथ। सेकेंड वाले कैनियंस, और ये कैनियंस कौन से होते हैं? ये आगे वाले फोर टीथ को छोटी कॉर्नर वाले टीथ होते हैं ना, जो पॉइंटेड होते हैं ऐसे गोल गोल से, उनको क्या, उनका शेप कैसा होता है? शार्प एंड पॉइंटेड। ये कैसे होते हैं? एकदम शार्प होते हैं, तीखे और पॉइंटेड होते हैं आगे से नुकीले। और इनका फंक्शन क्या होता है? टू टियर ऑफ द फूड। अब टियर मतलब उसको फाड़ के खाना। अब आपने देखा होगा जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं जो मांस खाते हैं वो कैसे खाते हैं, लाइक लॉयन टाइगर, वो क्या करते हैं? कच्चे मांस को ऐसे खाते हैं, तो वो कैसे अपने एनिमल्स को ऐसे कौन से कैनियन से टियर करते हैं। थर्ड वन इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कैनियन के आगे वाले टीथ होते हैं, और वो कितने होते हैं? टू दिस साइड, तो कितने हो गए? फोर इन अपर जो एंड फोर इन लोअर जो, टोटल नंबर इज एट। इनका कैसा होता है शेप? ब्रॉड इन शेप। ये कैसे होते हैं? थोड़े से ब्रॉड होते हैं। हमारे आगे वाले टीथ तो एकदम फ्लैट होते हैं, और सेकेंड ये जो नेक्स्ट टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं? शार्प एंड पॉइंटेड। उसके आगे वाले टीथ कौन से? प्रीमोलर्स। ये कैसे होते हैं? थोड़े से फ्लैट शेप में होते हैं, ब्रॉड इन शेप। इनका क्या फंक्शन होता है? टू क्रश द फूड। अब हमने खाना बाइट कर लिया, अब उसको सीधा तो नहीं निकल सकते, तो हम उसको जैसे अखरोट होता है उसको क्रश करना पड़ता है, तो कौन से टीथ से करते हैं? यस, प्रीमोलर्स से। और जैसे हमने ग्राउंडनट वगैरह कुछ खाते हैं, नट्स वगैरह खाते हैं, तो हम किससे क्रश करते हैं? हमारे प्रीमोलर्स से। नेक्स्ट चीज मोलर्स। मोलर्स मतलब सबसे अंदर वाले, सबसे आगे वाले टीथ। थ्री इन लेफ्ट साइड, थ्री इन राइट साइड, तो कितने हो गए? टोटल सिक्स। सिक्स अपर जो में एंड सिक्स लोअर जो में, टोटल नंबर इज 12। और उनका शेप कैसा होता है? बिग फ्लैट एंड हैव अ ब्रॉड अपर सरफेस। जो हमारे मोलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, और कैसे होते हैं? एकदम फ्लैट होते हैं, और कैसे ब्रॉड होते हैं, थोड़े चौड़े चौड़े दांत होते हैं। सबसे ब्रॉड टीथ कौन से होते हैं? मोलर्स। तो उनका फंक्शन क्या होता है? टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड। द फंक्शन ऑफ मोलर इज टू च्यू मतलब चबाना, एंड ग्राइंड मतलब जो भी खाना होता है जो उसको एकदम बारीक बारीक कणों में जिसको ग्राइंड करते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? मोलर्स। यहाँ पे मैंने आपको टू क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए, आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है? इनको अपनी कॉपी में कंटिन्यू करना है, जैसे हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जहाँ हमारे खत्म होते हैं, या तो उस पेज पे स्पेस हो तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। और आपको क्या करना है? सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में ये दोनों क्वेश्चन लिखने हैं और लर्न करने हैं, और उनकी पिक मुझे सेंड करनी है। और कोई डाउट होगा तो क्या करोगे आप? मुझे कॉल कर सकते हो। ओके बच्चों, अच्छी गुड हैंडराइटिंग में लिखो और मुझे फोटो सेंड करो। हैव अ गुड डे। बाय। थैंक यू।